इसका उत्तर गीता में आता है, बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने कहा था निश्चित वायदा हुआ है, आई शुड से कि कहते हैं कि गीता में सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, है ना, ऐसा सुना है ना। आई डोंट बिलीव इट एंड आई नेवर से इट कि गीता में सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। कि अच्छा केन्या की राजधानी क्या है बताना, वो गीता में नहीं लिखा है। US में जाना है तो उसकी करेंसी क्या है, डॉलर है, ये गीता में नहीं लिखा है। क्यों, ये प्रश्न नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि US की करेंसी क्या है, केन्या की राजधानी क्या है, ये हमास ने ऐसे उसके उत्तर नहीं देते। फिर ऐसा क्यों कह दिया गीता में सारे प्रश्न के उत्तर मिलते हैं? अगर कहाँ मिलते, मेरे तो मैं 100 प्रश्न बोलते हूँ इसके एक भी उत्तर नहीं मिलेगा गीता से, लेकिन गीता में एक उत्तर ऐसा देती है जो अंदर मिलता है, सारे प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं, ऑल क्वेश्चन डिजॉल्व। ऐसे दृष्टि ऐसी मिलती कि प्रश्न ही नहीं रहता, वो जरूर कहती है गीता ऐसा उत्तर देती है कि व्हाट क्वेश्चन, लाइक खाली एक स्माइल रह जाता है चेहरे पे। और भगवान ऐसा कहते हैं कर्म बंधन प्रहास्यसि, मीन यू बी अम्यूज्ड, ही सेड द वर्ड दैट ही यूज प्रहास्यसि, यू विल बी अम्यूज्ड विद ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, ये जगह रह दिए हिंदू है, मुसलमान है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो भी जैसे भी, तो यू बी अम्यूज्ड विद ऑल दिस बट यू विल गो अलॉन्ग विद दैट धर्म की रक्षा के लिए। तो उसमें भैया 13वें-14वें अंदर अध्याय में ज़्यादा करके उस प्रश्न का उत्तर मिलता है गुणत्रय विभाग योग में। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट डिस्क्रिप्शन, एक्चुअली 14th चैप्टर इज वन ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट, इट्स नॉट माई मोस्ट फेवरेट, आई वुड नेसेसरली से दैट, बट इट्स वन ऑफ माई फेवरेट। छोटा सा अध्याय, बड़ा सुंदर उसका उत्तर मिलता है गुणत्रय विभाग योग में कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर संक्षिप्त में मैं अगर कहना चाहूँ, थोड़ा लोडेड क्वेश्चन पूछते तो थोड़ा समय तो लेना ही होगा ना, इसमें यस एंड नो वाला आंसर तो मैं ऐसे ही कह दूँ, लेकिन उससे फुलफिलिंग नहीं होगा, हाफ फिल रह जाएगा ना, वी वर हियर टू फुलफिल। सो अगर इफ दिस इज दरवाज़ा खिड़की नहीं है, कुछ लॉक नहीं, कुछ बंद है, अगर हम में से सब जितने भी बाकी हैं, अगर हम अंदर बैठे हैं इसमें, है ना, तो सपोज वास्तविक में जैसे नाम रूप का जो होता है, एंड इंस्टेड ऑफ द ह्यूमन बॉडीज दैट वी आर, यहाँ पर अगर या तो समझिए कि कांच का कोई ग्लास कंटेनर हो बड़ा साइज का, उसमें कागज के टुकड़े डाल दिए, पीसेस ऑफ पेपर अलग अलग रंग के, दिस इज अ ग्रीन पीस ऑफ पेपर, दिस इज अ गोल्डन पे, दिस इज येलो, यू रेड, है ना, ऐसे टुकड़े अलग अलग शेप्स है, अलग अलग साइजेस है, अलग अलग रंग भी है ना, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई जो भी जैसे भी, और उन पर एक काम कर दिया, उस पर नाम लिख दिया है, ये जीतू और ये भी जीतू है, सचमुच में है ना, ना लेकिन ये जीतू नायक है और ये जीतू जोधपुर कर है, तो अच्छा अलग कर दिया है कि ये हरे रंग का जो कागज का टुकड़ा, ये जीतू नायक है, ये इधर जो बैठा है वो इसका ये स्थान है, ऐसे कर दिया, और ये है, ये हेमंत जी लोढ़ा है, ऐसे कागज के टुकड़े कर दिए, तो पड़े हैं सब सारे के सारे इधर पड़े, क्योंकि कागज है, टुकड़े हैं अपनी जमीन पर पड़े। और फिर मैंने नीचे से अगर पंखा लगा दिया जोर आ रहा होल फ्लोर, जोर से पंखा लगा दिया, तो ये सब के सब उड़ने लग गए उसमें, है ना, आई एम गिविंग यू विजुअल, आई थिंक यू विल गेट इट आफ्टर आई स्टॉप, सारे के सारे टुकड़े उड़ने लग गए ऊपर, क्योंकि पंखा लगा दिया नीचे से, कोई ऊपर ज़्यादा ऊपर जा रहा है, कोई कम ऊपर जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन कौन कितना वजनी है, कोई कौन कितना हल्का है, उसके अनुसार किसका शेप कितना है, उसके एरोडायनामिक्स कैसे है, वो कहाँ पड़ा है, उसका एंगल कैसा है, है ना, हाउ मच बैग इज देयर कैरिंग, हाउ मच इन अदर वर्ड्स हाउ मच वेट दे हैव, उसके अनुसार पंखा, तो पंखा सबको हवा दे रहा है सेम है, लेकिन ऊपर कोई नीचे, और जो ऊपर ज़्यादा उठ रहा है छाती ठोकरा, देख मैं कहाँ तक आ गया गधे, तुम यहाँ पे ऐसे हो, अकल नहीं है तुमको, ऐसा उड़ा जाता है। अच्छा एक मिनट काम करना भैया, ऊपर का मैं पंखा लगा देता हूँ, ऐसे ही पूरा ऊपर ऊपर का पंखा लगा देता हूँ, तो फिर क्या हो गया, तो सबके सब फिर से नीचे दबने हो गए, है ना, मायूस। तो और फिर अगर मैं नीचे का बंद कर दूँ, ऊपर का लगा दूँ सबसे, या दोनों लगा दूँ, तो उनमें से कोई जरा चलते पुर्जे जो है वो कुछ उसके फिजिक्स, फॉर दोज ऑफ यू रिमेंबर हाई स्कूल फिजिक्स, डिपेंडिंग ऑन द वेक्टर, राइट, नॉट दीज विल नॉट बी स्केलर्स, बिकॉज नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग डायरेक्शन, इट्स नॉट जस्ट स्पीड, एंड दैट टर्न्स अ स्केलर रिमेंबर इनटू अ वेक्टर, है ना। सो डिपेंडिंग ऑन द वेक्टर्स ऑफ दैट, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई जाके उड़ रहा है, पतंग जैसा उड़ रहा है, तो और साइड का भी अगर लगा दे, उषा का, सिंगर का पंखा, अब नीचे से ऊपर फेंके जा रहा है, ऊपर से नीचे फेंके जा रहा है, और साइड का ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इधर से उधर उधर से जा रहा है, अब क्या धमाकूल होगा उसमें, तूफान, क्या तू क्या 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 हो जाएगा, कोई हमास से कुछ कोई बम डाल रहा है, कोई ग्राउंड इन्वेजन कर रहा है, कोई बदला लेंगे कह रहा है, कोई इधर उधर हो रहा है, माय गॉड व्हाट द हेल इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, क्या हो रहा है ऐसे कि कोई ऐसा वैसा। और अगर फिर तो फिर उसमें ऊपर भी जा रहा है, कोई नीचे भी जा रहा है, और कोई एकाध बुद्धिमान, भगवान कहते मनुष्याणाम सहस्त्रेशु, 7वें अध्याय में आता है ज्ञान विज्ञान योग, कश्चित यतति सिद्धये,
यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। उनमें से एकाध कागज का टुकड़ा हो जिस पर नाम लिखा हो, सपोज हेमंत लोढ़ा नाम लिखा हो उस पर, पीले रंग का कागज का टुकड़ा हो, बड़े आदरणीय सब हैंडसम हो उसमें, उसको पता चले कि वेट अ मिनट वेयर नॉट ऑल दीज, अपन तो कागज के टुकड़े यार, इन पर नाम लिखा है, नाम रूप में फंस गए, मैंने अपने आप को मान लिया है, मैं ये उसने उसके वास्तविक में अगर कांच का हो द रियल हेमंत एंड द रियल जीतू एंड द रियल अदर जीतू और जो भी यहाँ पर बैठे सभी, वो तो ऊपर से कांच में से मज़ा देख रहा है ऊपर से, एंड देयर वाचिंग। क्या हुआ था पहले गेम शुरू होने के पहले उन्होंने एक एक्टिविटी करी थी आइस ब्रेकर करके, जो भी ये लोग कागज के टुकड़े उठाओ अपने अपने मर्जी के कागज के टुकड़े उठा जिसको जो चाहिए जो रंग का जो, अपना नाम लिख देना उस पर और इसके अंदर डाल देना एंड देन विल जस्ट स्पेंड सम टाइम विद इट हैविंग फन। और वो बाहर वाले जो वो तो हंस रहे हैं कि अच्छा वो कंपीट कर रहे हैं, वो जो कि अरे ऐसा हो रहा है बस यार, उनको उतार उनको पता चल गया ये सत्य नहीं है, इस कमरे में जो हो रहा है दैट इज़ नॉट द रियल मी, वो तो कागज़ का टुकड़ा उस पर नाम लिख दिया। ऐसे ही भैया ये जो है ना ये झोला दो, ये कागज़ का टुकड़ा इस पर नाम लिख दिया और हम इसी में फंस गए, अपने आप को ये समझ गए द रियल वन इज वॉचिंग इट थ्रू दो कागज के टुकड़े से। ये तीन गुणों में ये तीन पंखे क्या है 14वें अध्याय में आएगा, ये जो सात्विकता ऊपर लेने जाना वाला होता है ऊपर की दृष्टि से है ना, इट एलिवेट्स इट लिफ्ट्स अस अप, शांति में स्थित करता है। तामसिकता नीचे दबाती है, सुना होगा है ना, नेगेटिविटी नेगेटिव गोज नीचे, और राजसिकता वो ना इधर जाए ना उधर जाए, जैसा ग्रोथ ग्रोथ माइंड सेट और ज़्यादा और ज़्यादा और ज्यादा मोर एंड डिफरेंट। राजसिकता द होल लाइफ इज गॉन, आई वॉन्ट मोर 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 एंड आई वॉन्ट डिफरेंट 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 डिफरेंट, कितने भी कपड़े कितने भी फैक्ट्री कितने भी कारें कितने भी पति पत्नियाँ मित्र जो भी थम्सअप कॉन्टैक्ट, मोर 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 डिफरेंट 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 डिफरेंट, अभी इधर वेकेशन अभी उधर वेकेशन अभी ऐसा वैसा। तो डिपेंडिंग ऑन कागज का टुकड़ा कौन से गुण में फंसा है उसके अनुसार दो स्त्री आर ब्रॉडली, यहाँ पर भी तीन आ गए ब्रॉडली कैटेगराइज। वट वी हैव टू डू यू एंड आई इज रियलाइज कि वही ना मैंने वो ऊपर से जो देख रहा वो कौन है, वो तो रियल है, उसके साथ अपनी तार जो जुड़ी है। तो कोई एक हजारों में भगवान कहते हैं कोई एक होता है जो इसके लिए प्रयास करता है कि दिस कैन नॉट बी, सोचता है दिस कैन नॉट बी रियल, दिस कैन नॉट बी द फुल ट्रूथ है ना, देर हैज़ गॉट टू बी अ हायर रियालिटी। और जो द वन हु कैन एस्केप, उसको गुणातीत अवस्था कहते हैं, गुणातीत सउच्चते 14वें अध्याय में, ऑसम अमेजिंग पावरफुल चैप्टर 14 चैप्टर, अनटोल्ड ग्लोरीज उसकी, कोई मेरी वाणी से नहीं उसका मैं वर्णन कर सकता, इतनी औकात नहीं है मेरी यहाँ पे। तो वो कहता है कि अर्जुन पूछता है जो बाहर से देख रहा उसको क्या दिखता है, और फिर उसका वर्णन करता है उसने, और एसेंशियली सिचुएटिंग से लुक अर्जुन ऑल दिस टाइम यू वर द पर्सन लुकिंग एट इट फ्रॉम द आउटसाइड, ये जो 100 कौरव और 5 पांडव लग रहे टुकड़े हैं लेकिन चलना जरूरी है इसमें युद्ध का, कि धर्म की रक्षा की, बिकॉज द रूल्स विद इन द कंटेनर बाय डिज़ाइन देर इज़ अ सिस्टम दैट्स बीइंग डिज़ाइंड, और उसकी इंटेग्रिटी के लिए टू अपहोल्ड द इंटेग्रिटी ऑफ द सिस्टम यू हैव टू रियलाइज व्हाट इज द सिस्टम एंड देन गो अलोंग विद इट, धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए क्या यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, मैं आकर के वो पंखे बंद करके सब कुछ दो दो थप्पड़ लगा के ठीक कर देता हूँ फिर से आराम से चलने देते, इसलिए अंत में निर्णय होता है 700 श्लोक उसमें कि यतो धर्म ततो कृष्ण यतो कृष्ण ततो जय, वेर एवर इज राइटियसनेस वेर एवर देर इज इंटेग्रिटी, दिस इज नॉट दैट श्लोक बट इट्स इट अलाइंस विद दैट, वेर एवर देर इज सिस्टमिक इंटेग्रिटी wherever whoever is upholding the integrity whether it's a modi ji वो पर्सनल गेन के नहीं कर रहे, अगर हो कि एकदम बराबर क्या है राइट क्या है ढंग का क्या है, ग्लैड योर मदर इज नॉट हियर बॉडी, सिस्टमिक इंटेग्रिटी के लिए कि उसके लिए जो कर रहा तो उसकी जय होगी क्योंकि वहाँ पर कृष्ण मिलेगा वहाँ पर परमात्मा, बिकॉज द डिजाइनर ऑफ द सिस्टम इज देयर एंड देयरफॉर ही इज केपेबल ऑफ अपहोल्डिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द सिस्टम, सो द मोर आई अलाइन विद द सिस्टम एंड वो जब शरण की बात है 18वें अध्याय में लाख में शरण कभी नहीं कहा कृष्ण ने कि घुटने टेक नाक रगड़ मेरी चरण की धूल सर पर लगाओ, अलाइन हो जाए, आई हैव ऑलरेडी डिजाइन द सिस्टम यू लिव बिंदास फर्स्ट लाइफ। इसलिए सो जब पता चले जस्ट टू कंक्लूड द आंसर हाउ इज द होल सिस्टम सेट अप एंड आई वॉन्ट टू लिव अलाइन विद इट टू अपहोल्ड द इंटेग्रिटी ऑफ द सिस्टम, वो अब हमारा धर्म इतना ही है अपने अपने धर्म की जो भी है उसकी इंटेग्रिटी की रक्षा करें, देन यू आर एबल टू सी द फुल विजन। यस थैंक यू।